सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाली किस तरीके से आप अपने यूट्यूब वीडियोस का एसईओ कर सकते हो। यानी कि दोस्तों, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब वीडियोस को अपलोड करते समय अगर सही तरीके से एसईओ करके अपलोड करते हो, तो अपना जो यूट्यूब वीडियोस है वो लाइफ टाइम तक अपने यूट्यूब चैनल को व्यूज़ देता रहेगा। यानी कि उन वीडियोज़ पर आपको लाइफ टाइम तक व्यूज़ आता रहेगा, ठीक है। और अगर आप अपने यूट्यूब वीडियोज़ को एसईओ ना करके अगर अपलोड कर देते हो, तो उस वीडियोज़ पर थोड़ा टाइम के लिए तो व्यूज़ आएगा, लेकिन उसके बाद उस वीडियोज़ पर व्यूज़ आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में वही बात करने वाले किस तरीके से आप अपने YouTube वीडियोस को सही तरीके से SEO करके अपलोड कर सकते हो। तो मैं आज प्रैक्टिकली एक वीडियोस को अपलोड करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाले किस तरीके से उसे SEO करना है, ताकि वो उस वीडियोस पे लाइफ टाइम तक आप लोगों को व्यूज मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को चलो मैंने तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, देख लेते किस तरीके से अपने YouTube वीडियोस पे SEO करके वीडियोस को अपलोड करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो अपलोड हो जाने के बाद आपको जो वीडियो का टाइटल है उसे आपको एडिट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू मेक अ थंबनेल। तो फर्स्ट जो टाइटल है उसको आपको लिख देना है, ठीक है, उसको आपको एडिट कर देना है, ठीक है। तो हाउ टू मेक अ थंबनेल मैं एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। थंबनेल को यानी कि आपका टाइटल को एडिट हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यूट्यूब को एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो उसके बाद क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले एक डंडा को दे देना है, उसके बाद आपको YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो YouTube एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद आपको YouTube पे सर्च कर लेना है हाउ टू मेक ए थंबनेल, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको काफ़ी कीवर्ड्स उस जगह पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो सेकेंड या फिर थर्ड नंबर पर जो कीवर्ड आता है उसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद फिर से आपको चले आना है यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, जिस कीवर्ड को आपने कॉपी किया था उस कीवर्ड को आपको टाइटल के सेक्शन में सेकेंड टाइटल यानी सेकेंड टैग सेकेंड कीवर्ड के दौर पे आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको मैंने लिख देता हूँ, एडिट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको एडिट करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो अब बारी है अपना डिस्क्रिप्शन की, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो हमको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, हर किसी का डिस्क्रिप्शन अलग अलग होता है, ठीक है। तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन लिखने का स्टाइल है वो अलग है, आपका कुछ यूनिक लिखना होगा करना होगा, ठीक है। तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उस पर आप देखोगे तो मैंने अपने बारे में कुछ बताया, उसके बाद मैंने कुछ वीडियोज़ का लिंक दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं अपना सोशल साइट का लिंक दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे मेन जो काम करना है, जो जिसको आपने टाइटल को लिखा है, ठीक है, उस टाइटल को आपको कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देना है, ठीक है, ताकि सेम जो कीवर्ड है वो आपको टाइटल या डिस्क्रिप्शन में दोनों पे मैच हो सके, ठीक है। उसके बाद आपको अबाउट दिस वीडियो करके आपके वीडियो के बारे में कुछ लिखना है, और उसी जगह पर आपको वीडियो से टाइटल से रिलेटेड कुछ कीवर्ड को ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपनी वीडियो से रिलेटेड टैग्स या फिर कीवर्ड्स हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छी तरीके से सजा सकते हो, ठीक है, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ ऐड करके रखा है। उसके बाद आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैशटैग को यूज़ करना है, ठीक है। तो हैशटैग को किस तरीके से फाइंड करना है मैंने उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर क्लिक करके उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो अपना हैशटैग पर अपना चैनल का नेम देना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है, अगर आप थंबनेल को क्रिएट करना चाहते हो तो यूट्यूब थंबनेल लिखना है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब थंबनेल्स लिखना है, उसके बाद हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल लिखना है, ठीक है। तो किस तरीके से हैशटैग को फाइंड कर सकते हो मैंने उस वीडियोस पे डिटेल्स पे बनाया, डिटेल्स पे बताया, ठीक है। उस वीडियो को आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो हैशटैग को यूज़ हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, एकदम से नीचे और एक एंटर करने के बाद आपको एक पैरा और ऐड करना है, जिसपे आपको लिखना है योर क्यूरीज, ठीक है। जो जो कीवर्ड से अपना जो यूट्यूब पे सर्च हो जाता है, ठीक है, तो उसको आपको अलग से एक पैरा करके आपको ऐड करना है, ठीक है। तो किस तरीके से कर सकते हो, तो पहले तो आपको हैशटैग को एडिट कर लेना है, उसके बाद आपको एंटर करके योर क्यूरीज को ऐड कर देना है, यानी कि योर क्यूरीज को एडिट कर देना है, ठीक है। तो योर क्यूरीज को एडिट करने के बाद आपको जो जो आपने यूट्यूब पे सर्च किया था टर्म, ठीक है, तो उस समय जो जो यूट्यूब पे सर्च टर्म आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है, उन सब कीवर्ड्स को आपको कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देना, ठीक है। तो इन कीवर्ड्स को कॉपी करने से क्या होगा, जब भी कोई इस कीवर्ड से रिलेटेड वीडियो पे सर्च होगा तब आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कीवर्ड होने से आपका वीडियो सर्च रिजल्ट में आने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वीडियोस का डिस्क्रिप्शन के बाद आता है टैग्स के सेक्शन में, ठीक है। तो टैग्स के सेक्शन में लेकर काफ़ी अच्छा एक वेबसाइट है जिसका नाम है rapidtags.io generator, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ टैग्स का वेबसाइट, तो मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर रखा, ठीक है। तो rapidtags.io generator आपको मिल जाए, काफ़ी अच्छा
एक वेबसाइट है, ठीक है। इस पर आपको अपना जो YouTube का थंबनेल का यानी कि आपका जो टाइटल है उसको आपको एडिट कर देना, ठीक है। एंटर करने के बाद आपको इस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी ट्रेंडिंग में कीवर्ड चल रहा है, ठीक है, उस सभी को कीवर्ड आपको दिखाई देगा, ठीक है। YouTube से बेहतर इस जगह पे आपको ट्रेंडिंग कीवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली इस पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको YouTube स्टूडियो पे जाके इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। तो जैसे पेस्ट करोगे टैग्स कॉपी सब पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपका जो चैनल का नेम है उसको आपको एंटर कर देना, ठीक है। तो हर टैग्स के सेक्शन में आपका चैनल यानी कि हर वीडियोस में आपका टैग्स चैनल का नेम ज़रूर ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अपने यूट्यूब वीडियोज़ का SEO को परफेक्टली कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने वीडियोस का कंप्लीट SEO करके अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर हमारा इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे रहे।